पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही घर पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन शान मसूद एंड कंपनी के लिए इस सीरीज की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग लाइनअप की पोल खुल गई है। बाबर आजम से लेकर खुद कप्तान शान मसूद तक सभी बड़े नाम दूसरी पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। कुल मिलाकर इस बैटिंग लाइनअप के 6 बल्लेबाज डबल डिजिट में भी स्कोर नहीं कर सके। वहीं 3 नाम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, साउथ शकील, अगा सलमान और मोहम्मद अली। ये तीनों खिलाड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने जीरो पर आउट हो गए। आलम यह रहा कि पहली पारी में शानदार शुरुआत करने के बावजूद उन्हें 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इस मौके का फायदा उठाया और पहली पारी में 448 रन बनाए। इस दौरान पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज सईम अयूब, साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी पारी खेली। सईम अयूब के बल्ले से 56, शकील के बल्ले से 141 और मोहम्मद रिजवान के बल्ले से 171 रन आए। 448 रनों के स्कोर का बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पहली पारी में उन्होंने 556 रन बनाए। शदमान इस्लाम ने 93, मुशफिकुर रहीम ने 191, लिटन दास ने 56 और मेहदी हसन मिराज ने 77 रन की पारी खेली। 117 रन की लीड के साथ जब बांग्लादेशी गेंदबाज दूसरी पारी में गेंदबाजी करने उतरे तो उनमें अलग ही जोश था। उनके सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटने लगे। कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही बल्लेबाज दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर सके। इनमें मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 51 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने ऑलराउंड खेल दिखाते हुए गेंद के साथ भी 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा शाकिब अल हसन ने 3 विकेट चटकाए। इस मैच को जीतने के लिए चौथी पारी में बांग्लादेश के सामने सिर्फ 30 रन का टारगेट था, जिसे उन्होंने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 13 टेस्ट में 12 बार हराया था। यह पहला मौका था जब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। नजमुल हुसैन ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी कप्तान बन गए हैं। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने अपने प्रमुख स्पिनर अबरार अहमद को टीम से रिलीज कर दिया था। अपनी घरेलू पिच को नहीं पढ़ पाना पाकिस्तान को महंगा भी पड़ा और अंतिम दिन पर स्पिनर्स के आगे उनके बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। इस जीत के बाद अब बांग्लादेश की टीम के पास 1-0 की अजेय बढ़त हो गई है। बांग्लादेश के खिलाफ अब पाकिस्तान को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि हार और ड्रॉ के हालातों में सीरीज बांग्लादेश के ही नाम हो जाएगी।